नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज हमारे बीच, अब तो हम मुंबई से आए हुए कह रहे हैं, हिचक नहीं है, मुंबई से आए हुए हमारे मित्र अनिल पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं। अगर फिर फर्स्ट करिए तो मुझे बेईमान कह सकते हैं। तो हमें बहुत ही ये उत्सुकता थी कि अंदर हो क्या रहा है। जैसे पत्रिकाएं भी निकले, अनिल जी ने निकाला, उनका तकनीका निकलता था। तो हम लोगों ने फिर वो हमने शुरू किया कि भाई एक पत्रिका भी निकाली जाए, तो एक रंगकर्म पत्रिका भी निकाली। और हम तो फुल टाइमर ही थे, मेरे पास कई अंक हैं। जी 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 बिल्कुल। और काफी कुछ, ये तो सौभाग्य है, अनिल जी की लाइब्रेरी तो एक कमाल की चीज है। और जिस तरह से फिर वो ये होता था कि भाई कोशिश की जाए, और उसमें कंट्रीब्यूट करते थे जो भी राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने भी हमारे लिए आलेख लिखे, जयदेव तनेजा और इन लोगों ने भी, तो इस तरह के महेश आनंद कभी भेज देते थे। तो इस तरह की चीजें जो है, कोशिश होती थी कि एक अच्छी चीज उसको भी, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए। तो सुबह उसको देखना, फिर उसके लिए विज्ञापन इकट्ठा कीजिए। जो अलभ नारायण अग्रवाल है, लब्बी जी, उनका भी सहयोग मिलता था, उनका एक प्रिंटिंग प्रेस आज भी है मुद्रण मंदिर, फिर वहां जाओ प्रूफ देखो। बेचारे काफी सहयोग भी करते थे, कई बार उनके पैसे भी बकाए रह गए। और फिर ये कोशिश होती थी कि एक अच्छी चीज हो, अच्छा एक रंगमंच का जिस तरह से होना चाहिए। और ऑफ लेट लोगों ने पहचाना शुरू किया, बाद में वो NCZCC वालों की नजर गई, उन्होंने यहाँ वर्कशॉप करवाया। फिर उसके बाद जो है वो दिल्ली, मुझे लगता है श्रीराम सेंटर की भी टीम आई, जी लाहौर नहीं देखिया। उसके बाद तो अब तो आजकल जो हो रहा है वो तो काफी काफी नई नई चीजें हुई, बड़े बड़े लोग आ गए, लोगों ने, लड़कों ने, जो भी आज के युग में जो भी हमारी संस्था से हो, अमित हो या फिर और भी लोग हैं, प्रवीण हैं, पतंग जी हैं, और भी लोग जो भी, या यूसुफ है मॉडर्न थिएटर, और भी जो है दीपक सिन्हा काफी काम किया दीपक ने। तो ये सारी जो, ये और भी लोग हैं, एक दो और संस्था है, मुझे लगता है हरिशंकर का भी कुछ है, और भी कई लोग हैं। जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो तो बहुत अद्भुत है, बहुत सुखद लगता है कि वो चीजें आज इस ये एक नया नया रंगमंच एक नए मुकाम को पा रहा है, वो भी बेगूसराय का रंगमंच। तो हमारे समय में इन चीजों का अभाव होते हुए एक चीज तो थी कि जो काम करने का जो जोश था और जो अच्छा करने की जो ललक थी वो कमाल की थी। फिर हम लोगों ने काफी नाटक किए, उसमें मुझे याद है कि हम तो हमें पता ही नहीं होता था कि कोई ना सरकार का कोई अनुदान या कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीजें ही नहीं, चर्चा ही नहीं होती थी। पता नहीं कैसे एक बार हम लोग अंधायु कर रहे थे तो संगीत नाटक अकादमी का एक पत्र मिला कि वो कुछ 5,000 रूपये का कुछ उन्होंने हमें सैंक्शन भेजा कि भाई इसमें जो है आप। उस वक्त ऐसा हम लोगों का विचार होता था और हम लोगों में इस तरह की प्रतिबद्धता थी कि कोशिश होती थी कि गवर्नमेंट ने 5 दिया तो हमारे कम से कम 5-7 हम इकट्ठा कर लें और अच्छा करें, अच्छी चीजें हो। और काफी अच्छे तरीके से हमने किया, 3-4 दिन का शो था। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मेरा नौकरी में भी आना, एक हमारे यहाँ पर प्रेम जी हैं, पता नहीं अभी भी एक्टिव होंगे, तो ये बैंक वाले और गुजर गई ना, हाँ, तो इन लोगों ने, हाँ, उनकी पत्नी अच्छी अभिनेत्री, दुख है कि गुजर गई, तो उन लोगों ने कहा कि चलिए इस नौकरी के साथ जो है कुछ ना कुछ आजीविका के लिए करना है, ये किया जाए। तो हम बिल्कुल यही सोच के आए कि नौकरी हो जाए, यही पोस्टिंग हो जाए, बस थिएटर करेंगे। लेकिन जो नियति है कुछ और है। मैं ऑफिसर में ज्वाइन किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, साउथ गए, फिर घुटन तो बनी रही कि भाई क्या होगा। फिर आ गया किसी तरह से पटना में, फिर सतीश आनंद साहब के साथ मैंने काम करना शुरू किया। फिर वहां रेडियो का ऑडिशन दिया तो वहां भी हाई आर्टिस्ट सेलेक्ट हो गया।
तो फिर सतीश आनंद के साथ मैंने जो एक प्ले किया मुखधारा, संजोग से उनके यहाँ तो काफी लंबी लाइन लगती थी, वसंत जी उतने एक्टिव नहीं थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा करेक्टर मुझे जो वो किया करते थे उन्होंने दिया, काफी कुछ सीखा उनसे, और उसकी प्रस्तुति हमने भारंग में भी की 2000 में। और उस वक्त हमारे ये सब पंकज त्रिपाठी ये सब हम लोग साथ ही काफी काम किया हम लोगों ने। और उस वक्त जो है हमें ये लगता रहा कि फिर से एक बार थिएटर की दुनिया जो है जो उसका जो तब तक ये बड़ी ही सुखद बात रही कि बेगूसराय का रंगमंच उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। सारी संस्थाओं में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मेरी संस्था को अमित ने काफी बढ़ाया, आज भी काफी कुछ कर रहा है, बाकी लोगों ने सब अपनी अपनी और कोई कसर राष्ट्रीय नाट समारोह राष्ट्रीय नाट समारोह अनबिलीवेबल है कई देश और के। आज मैं आपको बताऊं कि मुंबई में कई लोगों से बात होती है, लोग काफी बेगूसराय के बारे में जो रंगमंच के है लोग हैं और भी लोग बहुत अवेयर है, और ये बेगूसराय के रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। मैं उसके बाद पटना में 3-4 साल थिएटर करता रहा 2000 तक, उसके बाद सतीश आनंद SRC के डायरेक्टर होकर दिल्ली चले गए तो मेरे सामने समस्या उठ खड़ी हुई। उस समय मैं जिस बैंक में था, आज तो वो इलाहाबाद बैंक में मर्जर होने की इलाहाबाद बैंक रादर मेरे बैंक में मर्ज हो गया इंडियन बैंक में, तो उसकी बहुत शाखाएं हो गई, तब स्कोप था कि उस वक्त हुआ होता तो मैं शायद बेगूसराय आ जाता, हमारी शाखा ही नहीं थी, तो हमें लगता था चलो भाई अब करें क्या, फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचा तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है दोनों का तारतम बिठाना, फिर भी उसके बावजूद हमने एक अच्छी फिल्म कर ली प्रकाश झा की गंगा जल, हमारे 3-4 अच्छे सीन भी हैं उसमें, और फिर चाचा चौधरी के कई एपिसोड किए रघुवीर यादव के लोगों के साथ, फिर बाहुबली प्रकाश जी ने ही बनाया, खानदान उनके एसोसिएट ने जो अनिल अस्ताफ थे उन्होंने बनाया, फिर ये काफी कुछ कई बार ऐसा होता था हमें लगा कि भाई जिस चीज में हमने अपने लाइफ का गोल्डन पार्ट दे दिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं नौकरी में आऊंगा, मैं तो कलाकार हूं कलाकार था, तो मुझे लगा कि अब जो है मुझे कुछ ऐसा निर्णय लेना होगा, या तो मैं यहां कुछ करूं या फिर, और हम ये नाटकों के दरमियान हम दो चीजें सोचते थे, शादी नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेंगे, दोनों चीजें करनी पड़ी, ठीक है। फिर हमने वो ये देखा कि हम काफी कुछ जो है ये चीजें हमारी हो नहीं रही हैं, हम वहां भी प्रॉपर वे में आपको तो पता ही है मुंबई में किस तरह की कोई आसान नहीं है, लोगों को लगता होगा बड़ा ही आसान है और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, सारे लोग वैसे ही हैं, तो उनके बीच में जब तक आप उस मैदान में ना कूदें और कोशिश तो हो, और एक ये भी होता है, हालांकि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ जॉब की वजह से एक पूरी सिक्योरिटी आ गई, तो ये है कि मैं अपनी पसंद का ही काम कर सकता हूँ, किचन चलाने के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि कुछ भी कर ले। तो उसके बाद मैंने अपना ये सोचकर कि अब मेरी जो जिंदगी है मैं फिर से वहीं लौट आऊं, मैं फिर से थिएटर करूं, मैं फिर से सिनेमा करूं, मैं फिर से वेब सीरीज करूं, तो इस चीज को सोचकर मैंने 2019 में अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। सारी चीजों में जो कई चीजें हैं जो कई लोग हैं जिनका मुझे काफी सहयोग मिला, उनका भी नाम लेना चाहूंगा, एक तो अनिल पतंग जी हैं, मुझे याद है मैं इनके घर पे, इनके पास इतनी अच्छी लाइब्रेरी है कि मैं बैठा रहता था, इनके पास दुर्लभ अंक आप ढूंढे नटरंग के छाया नट के वो आपको अनिल जी के पास मिल जाएंगे, सारिका हाँ अवधेश जी वो काफी उनसे सीखा, नाट्या है लब्बीदा है नारायण अग्रवाल फालदा है, सब लोग काफी लोगों का जो है, और डॉक्टर कृष्णेंदु गुप्त काफी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, डॉक्टर SSP चौधरी जो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे मित्र, RT राजन का नाम लेना चाहूंगा, किस तरह से एक आदमी एक दूसरी दुनिया से आकर रिफॉर्म हो जाता है उसके वो उदाहरण थे, हरशंकर थे। और मैंने एक चीज ये मार्क किया जो लोगों को जाननी चाहिए, जब
मैं रंगमंच से बाद में उसे अमित ने संभाल लिया, ग्रुप को फिर आगे काफी बढ़ाया है, अभी भी बढ़ा रहा है। उस वक्त जो एक गैप आया, लोग फिर से उन प्रवृत्तियों के शिकार हो गए, कोई उसी रास्ते पे गया और इस चक्कर में हमारे कई साथी हमने खो दिए। तो मेरा ये इन लोगों को तो मैं याद करता ही हूँ। एक प्रोफेसर इंदु भट्ट थी, वो भी गुजर गई, दुर्भाग्य से उम्र के इस पड़ाव पे हैं, ऐसी ही खबरें मिलती हैं। तो उनका भी काफी योगदान था। वो एक मुझे याद है, उन्होंने जब देखा कि हम लोग स्त्री पात्रों की समस्या है, वो एक ऐसी महिला थी जो उन्होंने अपने कॉलेज में लड़कियों से खुलेआम कहा कि जो कोई भी ड्रामे में इंटरेस्टेड हो आ जाओ, और उसका नतीजा हुआ कि हमें एक दो अच्छी अभिनेत्री मिल गई। और भी कई लोग थे, मैं तो सबके नाम, आज डॉक्टर केडियन अग्रवाल नहीं है, हाँ उनका भी काफी योगदान रहा, और भी जितने महरिया थे डॉक्टर और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कल मैं डॉक्टर शशिभूषण जी से मिला, डॉक्टर अमरेश जी थे, नलनी बाबू हैं, बहुत सारे लोग, काफी इतने सारे लोग, मैं किनका किनका नाम लूं, जनार्दन बाबू मुख कथन, वो आज नहीं है, शांत भोला बाबू हैं, और भी लोग थे, मतलब मैं सुदामा जी, एक बलराम बाबू, बहुत लोग उनके बारे में ना जानते हो, क्या धुन बनाते थे वो। मैं कई लोग ऐसे रहे हैं जो जो रेडियो स्टेशन के पहले के कलाकार, उनकी उन्होंने जो धुने बनाई कमाल की थी। ठीक है, उन्हें वो फोरम नहीं मिल पाया, क्या टैलेंट था उनके पास। परमानंद जी रहे, हमारे कई पत्रकार बंधु, अभी मनोज, आज अजीत अंजुम, उन्होंने बड़ा नाम कर लिया है, हम सारे लोग लड़ते झगड़ते भी थे, कभी इन्हें पास भी ना दे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ये बात इन लोगों ने रखा कि भाई जो भी हो हमें सही समीक्षा लिखनी है। राजेंद्र राजन जी हमारे पहले जनशक्ति में थे, और उनका भी काफी, सब लोगों का, किनका किनका मैं नाम दूं, बहुत सारे लोगों ने इस एक हमारे यहाँ पर बहुत एक बुक स्टॉल होती थी, मैं उनको भी नहीं भूल सकता हूँ, जीवन कमल रुदल का एक बुक स्टॉल था वहां चित्रवाणी के पास। तो इन सारे लोगों ने एक ऐसा मूवमेंट जैसा था, सबों का योगदान मिलता था। आप सुरेश मेहता नहीं रहे, वो भी म्यूजिक में हमें सपोर्ट करते थे, अपने उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, पोस्ट ऑफिस में थे अपने जिलानाथ प्रसाद के पहले सरयू बाबू, उनके लड़के लोग अच्छी बांसुरी और ये सब बजाएं, वो सब फिर इनका जो है अपने केडीदा है, उनके भाई रामेश्वर बाबू, हाँ सुरेश जी, और तो इन सारे लोगों ने काफी कुछ, सबों का प्यार मिला, वो एक अद्भुत जमाना था। और मुझे खुशी है कि आज भी जब देखता हूँ बेगूसराय, ठीक है जैसे सारी शहरों का परिवर्तन हो गया, आज बहुत कुछ ये पहचान में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का काम जो यंगस्टर लोग कर रहे हैं अभी, हमारे छोटे भाई लोग, और उसमें यही एक बस अब एक इच्छा ये होती है, और उसमें तो मुझे खुशी है अनिल जी हैं और लोग हैं। मैं लोगों से पूछता भी हूँ कि भाई आप लोग कम से कम जुड़े रहें, और मैं यंगस्टर से भी चाहता हूँ कि वो जोड़ के रखें। देखिए अनुभव का कोई भी विकल्प नहीं है, नहीं आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बेगूसराय पर तो आपने विस्तार से बताया। हाँ, अब मैं जानना चाहूंगा जी कि आप जब मुंबई गए तो बैंक की नौकरी के बाद भी फिल्मों और दूसरे से जुड़े रहे, बाद में आपने बताया है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद का जो अब काम है और आपकी क्या भावी योजनाएं हैं, इस पर भी चर्चा करें। जी जी, तो बैंक के बारे में एक चीज बता दूं, कई बार लोगों को लगता है क्यों छोड़ दिया, वहां भी करते यहाँ भी, ये सारी चीजें संभव नहीं होती है। मैं बड़े फनी इंसिडेंट भी कुछ बता दूं आपको कि मुझे इतनी परेशानियां होती थी। एक बार मैं चाचा चौधरी में कंटिन्यूटी करेक्टर करता था, तो महीने में 10 दिन की रिक्वायरमेंट हो जाए, छुट्टियां उतनी कहां, आप विश्वास ना करेंगे, मैं हमारे एक नरीमन पॉइंट के एजीएम हुआ करते थे, बड़ा ही विरोध करते थे, वो साउथ के थे, उन्हें कुछ हिंदी ये सब का उनका था नहीं, और किसी ने कह दिया भाई बहुत पैसा वैसा कमाता होगा फिल्मों और इसमें काम करता है, तो उन्होंने बहुत मेरे मार्ग में रोड़े डाले, और मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मुझे कोई भगवान की दुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एक उसी समय एक मैंने बेल्ट खरीदा था और काफी दिन उसमें उसके झांसे में वो भी आ जाते थे। मैं एक्टिंग करता था जैसे मुझे बैक पेन हो गया और इसी में मैं गायब होता था फिर। लेकिन मुझे लगा ये चीजें चल नहीं सकती हैं। प्रकाश जी का जय गंगा जल हुआ, उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट थी, बहुत मुश्किल होता था। अब जो है, अब मुझे लगा कि एक दिन दो दिन छोटा फोटा काम करके मैं कहीं अपने आप को, मेरा करियर कहीं जा नहीं सकता है, और कुछ मुझे करना है। मेरा मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा मिशन अधूरा है। तो ये सोचकर अब जो है, अब मैंने जो शुरू किया है, अभी कोरोना की वजह से एक सीरीज तो मुझे अच्छी मिल गई थी दूरदर्शन की, और उसके बाद संभावनाएं थी कि और भी चीजें मिलती, लेकिन कोरोना की वजह से ये एक डेढ़ वर्षों का जो व्यवधान आया, अब से फिर से मेरी कोशिश है कि कुछ मैं अच्छे काम करूं, ऐसे काम करूं जो लोगों को बता भी सकूं कि भाई ये देखो, अपने OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से वेब सीरीज भी बनते हैं, उसमें भी मैं चूजी हूं कि जो चीजें हैं, अच्छी चीजें भी बिकती हैं, वो है फिल्मों का काम है, सीरियल ठीक है, टेलीविजन जो है मेरा बहुत कम झुकाव उसकी तरफ है, और मेरी कोशिश होगी कि इन चीजों में जो हमारे मित्रों ने जिस तरह से कुछ किया है, अच्छा काम करूं। बाकी ईश्वर को जो देना होता है वो देते ही हैं। तो अभी मेरी कोशिश और रास्ता वही है, संघर्ष उसका तो चाहे रंगमंच हो चाहे कहीं भी हो, तो ये मेरी कोशिश है। अच्छे अच्छे हमारे ऑडिशन हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए हो रहे हैं, तो अब ये कुछ समय की ही बात है कि कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुभकामना है कि बहुत अच्छा, कुछ अच्छा क्या, बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अब आप अपने आने वाले भावी पीढ़ी के कलाकारों के लिए कोई संदेश अगर देना चाहे तो वो अपनी ओर से आप जी। बिल्कुल, मेरा संदेश यही होगा कि बस आप इतिहास को देखें और वर्तमान में जो कर रहे हैं, आप कभी अपने काम से सेटिस्फाई ना हो। यही एक मीडियम है जहां अपने आप को आप हर बार नई चीजें कर सकते हैं। एक ही नाटक 10 बार होता है, उसके नए इंटरप्रिटेशन होते हैं। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है कि हम बेस्ट हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। लोगों से सीखिए, और सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कहा, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि अनिल जी यहाँ पे हैं, युगांतर के लोग हैं, और भी लोग हैं, अवधेश जी हैं। क्या अच्छा हो कि हम अपनी छोटी छोटी छोटे छोटे इश्यूज को छोड़ के इन लोगों का मार्गदर्शन लें। और मुझे विश्वास है कि ऐसा होने से, मैं तो फिर से चाहूंगा, मैं मेरी कोशिश होगी कि एक आध बार आके उस दिन रह के यहाँ नाटक करूं मैं, और उसमें मुझे अमित ने श्योर भी किया है सारी व्यवस्थाएं करेगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि वो जब परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होगा ना, तो ये कमाल की चीज बनेगी। और इन चीजों को तवज्जो दीजिए जो चीज है, और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा काम हो, टेक्निकल लेवल पे ही नहीं, उसकी आत्मा भी जो है वैसे ही रहनी चाहिए। और आप सारे लोग अच्छा काम करें, मेरी यही शुभकामना है, लेकिन सबों को साथ लेकर चलिए और कोशिश कीजिए कि ये फॉर्मेलिटी ना हो, रियल मूवमेंट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अभी खुशी हुई, जगह जगह पे छोटे छोटे लोग ऑडिटोरियम बना के ऐसा काम कर रहे हैं। मुंबई में भी बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी जहाँ 50-60 लोग बैठ सकते हैं, खासकर आराम नगर में ऐसे लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, अच्छा है। और जहां वहां उतना आपके खर्चे भी ना हो, आप अच्छे से कर भी पाएंगे, तो ये मेरा सुझाव है। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलता भी है, रंगमंच आपको बहुत कुछ देता है, ये खाली नहीं जाता है ये समय। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने रंगमंच की यात्रा जो बेगूसराय से प्रारंभ की, सिर्फ उसकी ही नहीं चर्चा की, संपूर्ण बेगूसराय के रंगमंच की यात्रा शुरू कर दी, और वहां से जब मुंबई गए तो मुंबई में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आपने क्या क्या किया इसकी भी चर्चा की, और आप अब किसी बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बड़ा गौरव की बात है और हमारी शुभकामना है कि आप एक से एक ऊंचे से ऊंचे मुकाम प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति स्टॉप टीवी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे भी, आप अगर कोई कलाकार है, कोई साहित्यकार है, तो आप अपने जीवन संघर्ष वृतांत हमें इस नंबर पर संपर्क करें और भेज सकते हैं,
वो नंबर है 7004839500। ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है। आप अगर दुनिया के किसी कोने में रहते हो और हमारे स्टूडियो तक नहीं आ सकते हैं तो आप फिर वहां से अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए, हम उसे भी प्रसारित करने की कोशिश करेंगे और प्रसारित करेंगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ आप दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आपने इतनी लंबी हमारी इस श्रृंखला को देखा। लाइक करें, अपना कमेंट भी दें और संभव नहीं अभी तक किए हो तो सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सारे लोगों का। रुको सुलेमान, देखिए इसकी रोजी रोटी का वही एक जरिया है, वो भी आप ही छीन लेंगे इस गरीब से। आप इसके खेत और बैल लौटा दीजिए, इसका कर्ज अदा हो जाएगा। कर्ज अदा हो जाएगा? कौन चुकाएगा इसका कर्ज? कर्ज कौन चुकाएगा इससे आपको क्या मतलब? आप तो जमीनों के सौदे करवाते रहिए, इन गरीब किसानों से सूद पे सूद वसूल करते रहा कीजिए और जीते जी जान ले लीजिए इन बेचारों की। इसका कर्ज मैं चुकाऊंगा। जीना मरना भगवान के हाथ में है, हम कौन होते हैं इसे मारने वाले? जब इसका समय आएगा तो ये खुद ही मर जाएगा। सुलेमान जैसे सैकड़ों किसान आप पे भरोसा करते हैं, आपको अपना भगवान मानते हैं, लेकिन ये कैसा भगवान है जिसके मन में दया माया कुछ भी नहीं? बहुत रहम आ रही है आपको किसान भाइयों पर, लेकिन इन किसानों की फितरत से वाकिफ नहीं है आप। आज ये हमारे सामने मुंह लटकाए बैठा है, लेकिन जब अच्छी फसल होती है तो यही शेर बन जाते हैं। फसल हमें बेचने के बजाय मंडी में जाकर बेचते हैं ऊंचे दाम के लालच में। तो क्या गलत करते हैं? किसान अपनी मेहनत से फसल खड़ी करते हैं तो क्या सस्ते दाम में बिचौलियों के हाथों बेच दें? देखिए जो दस्तूर बरसों से चले आ रहे हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। बदलते हुए जमाने के साथ आपको और आपके दस्तूर को भी बदलना होगा हुकुम सिंह। आप फौरन इसके खेत और बैल लौटा दीजिए। चलो सुलेमान।